हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या निकालने के लिए आपको दो चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि उस कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना चाहिए, और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड हैं, तो लिगेंड कई तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, कई तरह के लिगेंड होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह जो लिगेंड इसके अंदर है यह किस तरह का है। मोनोडेंटेट है, एकदंती है, द्विदंती है, त्रिदंती है, बहुदंती है। अगर इतनी बात आपको आती है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट को ट्रिक सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें साथ में साथ आपको ये भी पता नहीं है कि लिगेंड किस तरह का है, एक दंती है कि द्विदंती है, तो नहीं जानते, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर वीडियो खोलकर देख सकते हैं। चलिए तो हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ, हमने सीखा था, आज हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है K4Fe CN6, ठीक है। अब यहाँ पर कह दिया K4Fe CN6 में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, समन्वय संख्या बताना है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी बताया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बताया जाता है, तो सेंट्रल एटम का बताया जाता है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय आयंस का बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा, बताया ये जो Fe है यहाँ पर सेंट्रल एटम है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर, तो कोऑर्डिनेशन को अगर हम शॉर्ट में कह दें CN, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, क्या डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। इस फॉर्मूले को आप याद रखे रहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर के चारों तरफ यानी कि कॉम्प्लेक्स एरिया में जो आपको क्या है, जो फेरस है उसके चारों तरफ ये जो बच रहा है ये क्या है, लिगेंड होता है, उसके पड़ोसी एटम। तो पड़ोसी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, अब डेंसिटी आपको याद नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिगेंड क्या है, यहाँ पर लिगेंड आपको CN है जिसको हम लोग साइनो कहते हैं। तो यहाँ पर जो CN है इसकी डेंसिटी एक होती है, यह एक दंती लिगेंड है। एक दंती की मतलब कि वह एक लोन, एक पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, एक पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, उसको हम लोग एक दंती लिगेंड कहते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, इसके बगल में देखिए कितना है, 6 हो गया। और डेंटिसिटी मतलब कि उसकी डेंटिसिटी क्या है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट क्या है, तो डेंटिसिटी उसकी एक है, तो एक का हो जाएगा 1, यानी सीधा सा क्या हो गया आंसर इसका 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए इसी की जो है K3Fe CN6, इसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितना है इसमें, ये ही लिगेंड यही है 6, और डेंटिसिटी फिर CN की डेंसिटी क्या 1 है, तो भी क्या होगा 6 से होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो सकता है, बस आपको वो लिगेंड और डेंटिसिटी पर ही डिपेंड करता है, फॉर्मूला पर क्या डिपेंड करेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ लिगेंड और डेंटिसिटी आपको याद होनी चाहिए, तो अगर डेंटिसिटी नहीं याद है तो कुछ
कंपाउंड का आप जाकर आप चैप्टर में बुक ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिगेंड दिए गए हैं, कहीं एमिनो है, कहीं एक्वा है, कहीं साइनो है, कहीं थायोसल्फेट है, कहीं नाइट्राइटो है, कहीं नाइट्रीटो है, कहीं सल्फेटो है, कहीं क्या बोलते हैं ऑक्जिलेटो है ना, तो इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं इथिलीन डाई एमीन है, किसकी डेंसिटी क्या है, कहीं EDTA होता है, इसकी डेंसिटी क्या है, DMG क्या है, ग्लाइसिन का क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हमने बताया, चलिए दो और बता देते हैं। ऐसे तो कंपाउंड बहुत हैं, बस डेंसिटी याद होनी चाहिए और लिगेंड। कभी कभी होता है कि इसके बगल में और भी लिगेंड आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं कि सर इस तरह से अगर दे दिया तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक के साथ कई कई लिगेंड आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा लिख दिया K3Cr, ठीक है, C2O4 ट्वाइस Cl2। अब इसकी क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे दे दिया तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड में दो चीज आएगा, क्रोमियम के बगल में यहाँ पर C2O4 जिसको हम ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं, और यहाँ पर Cl जिसको हम कोलाइड पढ़ते हैं, दोनों का डेंसिटी निकालना पड़ेगा, दोनों का डेंसिटी याद होना चाहिए। तो देखिए ऑक्जिलेटो जो है C2O4 जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये ऑक्जिलेटो क्या है, यह ऑक्जिलेटो आपको बाइडेंटेट रहता है ना, इसकी डेंसिटी दो होती है। और यहाँ पर Cl का मतलब क्लोराइड, और क्लोराइड की डेंसिटी क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला है, Cn बराबर नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, अब नंबर ऑफ लिगेंड तो आपको काउंटिंग करना पड़ेगा ना। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड में यहां पर देखिए C2O4 का दो गो यहां पर है, C2O4 का दो गो यहां पर है, तो कंडीशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, तो नंबर ऑफ लिगेंड दो हुआ, मान लिए यह लिगेंड है, इसकी ये दो गो है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, ये आपको लिगेंड यहाँ पर क्रो ऑक्जिलेट का दो गो है, फिर इसकी डेंसिटी क्या होती है, दो होती है, तो दो से गुणा कर देंगे प्लस, फिर कहता है कोलाइड, तो कोलाइड क्या नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर दो गो है, फिर इसकी डेंसिटी कितनी होती है, एक होती है। ऐसे करना पड़ेगा, जब एक से ज़्यादा आएगा तो ऐसे कर, यहाँ पर क्या आएगा, छः आएगा। ये बात समझ में आ गई है, नंबर ऑफ लिगेंड कैसे, जैसे मान लीजिए C2O4 दो है, तो उधर हो गया कि लिगेंड इसका दो हो गया, ऑक्जिलेट दो हो यहाँ पर। अब उसका जब आप लिख दिए कि इसका नंबर ऑफ लिगेंड दो है, तो उसके डेंसिटी से भी गुणा कर देना है, तो C2O4 की डेंसिटी क्या होती है, दो होती है, दो से गुणा हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, बचेगा जो लिगेंड, तो कोलिन का दो है तो इसको बोलेंगे लिगेंड, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 से गुणा कर दिया, सबको जोड़ दिया, दोनों 4+2 6 हो जाएगा। तो ऐसे आपको बनाया जाता है जब एक से ज्यादा रहता है, तब एक से ज्यादा रहता है तब पीटी Na3 K4 ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए Na3 Ag NH3 2S। इसकी क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अगर आपको डेंसिटी नहीं याद हो तो आप कमेंट बॉक्स बोलेंगे, हम उसका पूरा डेंसिटी लिखवा देंगे। ठीक है, अगर आपको कंपाउंडों का डेंसिटी नहीं याद है, तो ऐसे तो आपको बुक में दिया है,
चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो डेंसिटी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो में टोटल लिगेंडो की जो आपको नेसेसरी है, जो ज़रूरत है कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उस लिगेंडो का हम डेंसिटी नाम के साथ लिख के बता देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर दो गो है तो दो गो हो गया, और NH3 की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ये जगह बहुत सिंपल है, बस याद रहेगा नंबर ऑफ लिगेंड तो पहचान जाएंगे, बस डेंसिटी याद रहे तो आप किसी भी कंपाउंड का कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे भी आपको इसका बहुत सारा पहले का वीडियो है, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स इसके पास शेयर करें। बिस्मिल्लाह, गुड बाय, थैंक यू।